डिजिटल मीडिया जो आप लोग भी डिजिटल मीडिया है, आप लोग भी हमारा एक हिस्सा है। हमारा भारत बचाओ आंदोलन ने आज डिजिटल हिंदुस्तान नाम से एक मूवमेंट चलाया है। वो मूवमेंट में हम सब युवा को ही कहा कि सबके पास फ़ोन है, सबके पास कैमरा है, सबके पास डिजिटल मदद मिल सकता है। तो मैंने उनको कहा आज जो आतंकी इस देश के अंदर घुसा हुआ है, उस घुसपैठियों को किस तरीका से एक्शन ले पाएगा, तो हम सरकार को मदद करने के लिए हम एक डिजिटल हिंदुस्तान मूवमेंट चलाया है। ये मूवमेंट के ज़रिए भारत बचाओ आंदोलन आज देश में जो भी आतंकवादी के साथ, पाकिस्तान का साथ मिलके, आसपास का जितना भी आतंकियों के साथ मिलके जो कर रहा है, ये मुनाफिकों को एक एक को पकड़ के सामने लाने के लिए, सरकार को सहयोग करने के लिए हम लोग ने इस मूवमेंट को चालू कर दिया है। ये 2020 में हम लोग ज़ोर से चलाने के लिए तैयारी कर रहा है। आज को सबको शुभकामना है कि हम लोग का आज शुरुआत है, आप लोग को ये खबर पहला दे रहा हूँ। एक फंडिंग के नाम जो है हमारे देश का जो परदेसी भाभी जी का पार्टी यानी कांग्रेस ने पूरा फंडिंग कर रखा है, उसके बाद इसको पूरा ये आग जलाने के लिए कोशिश किया है। आज तो मुझे सुनने मिलकर आप लोग को तो खबर मिल चुका होगा कि केजरीवाल ने जो इस मामला में जिसको भी चोट लगा होगा, इस मामला में जो शामिल हुआ था, जो देश में जलाने और आग लगाने में जुड़ा हुआ लोगों को काम देने और पैसा देने का लालच दे रखा है, बहुत से MLA को इसमें यूज़ किया है। मैं सब आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस मूवमेंट में शामिल है, जिसका नाम आप लोग के सामने है, मैं क्या फिर लूँ। आप लोग को सबको पता है किसके वजह से ये भड़का है, जामिया में किसने भड़काया तो समझ में सबको आता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यही काम करते हैं, आपस में लड़ाकर राज करने के लिए, यानी देश के अंदर जो भी आज हुआ है, आप एक ही बात मानना, फिर से पलवार बात को लाने के लिए, राजतंत्र फिर से चलाने के लिए, फिर से गुलाम बनाकर देश को लूटने का तैयारी है। देश को हमेशा लूटता आया, देश को खोखला करने वाला कांग्रेस है। जनता को ये शुभकामना देना ज़रूरी समझता हूँ कि आप सब मिलकर इस देश में आपस में धर्म के नाम, जाति के नाम जो टुकड़े टुकड़े करने वाले जितने भी गैंग हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट में शामिल होकर 2019 को जैसा हम लोग आलीशान ऐतिहासिक माना गया, इसी तरह 2020 को इससे ज़्यादा ऐतिहासिक दिन में गिनने के लिए हम लोग इतिहास को लिखेंगे और लिखकर जो है इतिहास को ताज़ा करेंगे। आप सबको शुभकामना है, आलीशान राम मंदिर बनने का मैं शुभकामना देता हूँ मोदी जी को, और मोदी जी के सेहत के लिए, खास करके इस देश के लिए एक शेर की तरह लड़ने वाले हमारे देश के जो है वीर है, उनको हम शुभकामना के देता हूँ। और हमारे देश के फौजियों को भी बहुत ही वो करता हूँ कि हम समझता है कि पाकिस्तान को इस देश का दुश्मन को दुनिया का मैप से हटाने का काम आप कीजिए। दुनिया में पाकिस्तान हम आप 2020 में नहीं दिखेगा, पाकिस्तान ख़त्म होगा, इसका जो है संदेश आपको दे देता हूँ। और हम लोग इसके लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे और युवा शक्ति खुश के मारेगी उसको।